वो प्रति यूनिट जिनका कम उपभोग आ रहा है उससे कुछ ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, जिनके जैसे जैसे उपभोग बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके चार्ज कम हो रहा है, ये इनकी मुख्य मांग थी। तो वो राज्य स्तर का मुद्दा है, उसको हम यहाँ से प्रस्ताव बना के तर्क संगत प्रस्ताव बना के उनको भिजवाएंगे और उनसे निवेदन भी करें कि इस पर पुनः विचार किया जाए ताकि जो कम उपभोग वाले उपभोक्ता हैं उन पर बहुत ज़्यादा विद्युत बिल का भार न पड़े उसमें। दूसरी उनकी मुख्य मांग थी कि भी अभी जो चार महीने के आपके द्वारा जो विद्युत बिल दिए गए हैं वो विद्युत बिल काफ़ी अत्यधिक राशि के हैं और किसी कमजोर आर्थिक वर्ग जिनका COVID-19 के दौरान अपना जो रोजगार था वो उतना रहा नहीं उनका, तो उनको कुछ 15 या 20 दिन की कुछ मोहलत दी जाए हमारे को जिससे उस बिल का भुगतान किया जा सके। उस संबंध में हमने कहा कि भाई जिनके भुगतान करने में समस्या है, आर्थिक रूप से कोई कमजोर व्यक्ति है, किसी की दिक्कत आ गई है, रोजगार नहीं रहा उसका, तो 15-20 दिन बाद अगर बिल जमा कराएगा तो उसे जुर्माने की राशि है बिल लेट पेमेंट सरचार्ज इसको कहते हैं। मोटा मोटी से मान लेंगे 20 अगस्त तक जो है वो बिना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें वो अपना भुगतान कर सकते हैं। जो विद्युत के बारे में ये समस्याएं आ रही है, लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस बारे में आपकी भावी योजनाएं विभाग के द्वारा की किस तरीके की योजनाएं प्रस्तावित हैं? विद्युत भार जो इस बार गर्मी के दिनों में अत्यधिक बढ़कर आया है और उस भार के अनुरूप जो विद्युत की आपूर्ति के अनुरूप जो हमारे विद्युत की तंत्र जो बना हुआ है वो पूर्णतया ओवर लोड चल रहा है और उसमें अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान लाइन के अंदर आता है और आता है तो उन विद्युत उपभोक्ता को आपूर्ति करना हमारे लिए किसी दूसरे स्रोत से बहुत मुश्किल आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ से 400 kV ग्रिड सबस्टेशन का एक प्रस्ताव बनाकर जो हमारे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता है विजय पाल जी धाकड़ के द्वारा भिजवाया गया है और उसमें कुछ आक्षेप में साथ वापिस आया था लेकिन वो चला गया वापिस। उसमें जो हमारे स्थानीय जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इसको बड़ा अत्यधिक गंभीर लिया है इसमें कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक कमेटी बना दी इसके ऊपर लेके कि इसमें विचार करके फाइनल किया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये उसको भी हमें हमारे दोनों जिलों को जल्दी ही मिल जाएगी स्वीकृत की। उसके बनने से हमारे जो समय है इसमें कई बार दोनों जिले पूर्णतः 5-6 घंटे के लिए अंधकार में चले जाते हैं, उससे हमारे को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा उसमें और विद्युत तंत्र जो है वो मजबूत होगा हमारा उसमें और उसके अंदर स्थायित्व भी आएगा। सप्लाई के अंदर जो अघोषित पावर प्रकट लगते हैं उसमें अत्यधिक विद्युत भार के कारण उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी उसमें और आने वाले कई सालों तक हमारे को इसका फायदा मिलेगा।